बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सिराजी, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दम्मे के बारे में। जिन लोगों को दम्मे के दौरे पड़ते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तंगी तनफस हो जाती है और दम्मे के शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं, आप अगर इस बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में अगर किसी बच्चे को, किसी बूढ़े अफराद को, किसी जवान को अगर ये मसला है, खासकर तो ये फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों को लाजमी मसला होता है। अगर किसी के वालिद को है तो उसके बेटे को होगा, इसी तरह उसके बेटे को होगा, यह नस्ल दर नस्ल बीमारी चलती है। तो दम्मा के लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक के बेहतरीन ड्राफ्ट बताऊंगा, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा गारंटी के साथ। शुरू करने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें, ताकि मैं जब भी न्यू पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे दोस्तों, दम्मा के लिए जो मेरे पास मेडिसिन मौजूद है उसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटा, ब्लाटा ओरिएंटालिस, ये नाम भी आप ले सकते हैं, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही हद दर्जा बेहतरीन दवा है। किसी को दम्मे का दौरा पड़ता है तो ये दवाई आप अपने पास रखें, उसको लाजमी दें। ये जादुई असर रखने वाली दवा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि किसी ने कोई जादू कर दिया है और इसका दम्मा जो इतनी जल्दी ठीक हो गया, सांस लेने में इसको इतनी दुश्वारी थी, तो इतनी जल्दी ये कैसे ठीक हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप अस्थमा के लिए ब्लाटा ओरिएंटालिस मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। अगर आपके पास है तो मरीज़ को ये लाजमी दवा दें। इसके अलावा दम्मे के साथ अगर आपको ब्रोंकाइटिस का मसला है, शदीद ज़ुकाम है, अलाते तनफस जो है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, सांस लेने में तंगी हो रही है, दमवी या मिजाज वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन दवा है। इसके अलावा सांस में जो है, सांस का दौरा जो है पड़ता है, दम्मे का दौरा पड़ता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, दम घुटने लगता है, साथ खांसी भी होगी और बलगम हारज होता है, तो बेहतरीन दवा है। इसके अलावा खांसी की दवा के साथ साथ अगर आपको टीबी की वजह से खांसी आई है, टीबी की वजह से आपको कफ का मसला बना है, तो इस दवा को आप लाजमी जेन नशीन कर लें कि आपने ये दवा लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने ये कौन सी पावर में इस्तेमाल करनी है। ब्लाटा ओरिएंटालिस शदीद दम्मा की सूरत में आपने क्यू पावर में इस्तेमाल करनी है, ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर पावर में इस्तेमाल करनी है, जर्मनी कंपनी की या फिर रैकवेज कंपनी की या WS, ये जर्मनी की ही कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। पाकिस्तान में जो आपको होम्योपैथिक स्टोर से 1200 रुपए का मदर टिंचर आसानी से मिल जाएगा। शदीद दम्मा की सूरत में आप मदर टिंचर उसको दें, 20 कतरे पानी में मिला के दें, फिर 10-15 मिनट बाद है उसको 20 कतरे पानी में मिला के दें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके दम्मे का मसला, दम्मे का दौरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको बड़ी पावर में ये मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल जो है मेडिसिन करवाएं, 1 mg में दे लें या फिर CM में एक खुराक मंथली दे लें। अगर 1 mg में देनी है तो 5 या 6 दिन बाद इसकी एक खुराक जो है वो आप अपनी जबान पर डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं, 2 से 3 ड्राप्स 5 से 6 दिन बाद आप इसके ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 mg वाली अगर जर्मन पोटेंसी लेंगे तो वो 1500 की मिलेगी, CM वाली उससे भी महंगी होगी। अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर मसूद कंपनी की ले सकते हैं 1 mg, 750 तक या 800 तक आपको आसानी से मिल जाएगी, CM वाली जो है वो 850 तक मिल जाएगी, उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लाटा ओरिएंटा अगर आप चाहें तो डॉक्टर मसूद कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 600-700 तक आसानी से मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। इंडिया में ये मेडिसिन बहुत कम प्राइस में मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, पाकिस्तान में ये मेडिसिन महंगी मिलती हैं, दुबई में भी मिल जाती हैं, यूनान में भी मिल जाती हैं, जर्मनी में भी मिल जाती हैं। तो डियर फ्रेंड, इस मेडिसिन को आप दम्मा के शदीद दौरे अगर आपको पड़ते हैं तो 3-4 महीने रेगुलरली इस्तेमाल करें,
इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये था फिर मेराज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है, जानना है, इलाज करवाना है, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी नोट कर लीजिएगा 03157100024 03151724। यही मेरा सिम नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके कुछ पूछना है, जानना है, इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। किसी को अगर अस्थमा का मसला है, दमे का मसला है तो वो मेरी बताई हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस मर से निजात पा सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।